हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 5th और 6th फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है रिलायंस रिटेल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन रिटेलर टू एक्सेप्ट डिजिटल रुपी। रिलायंस रिटेल फर्स्ट इंडियन रिटेलर बन गया है जो कि डिजिटल रुपी को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो फैसिलिटी को जो लॉन्च किया है उनने, वो कोलैबोरेशन विद द इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक के कोलैबोरेशन में इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। द फर्म हैज पायलटेड द यूज ऑफ डिजिटल रुपी इन वन स्टोर इन मुंबई। फिलहाल में ये एक स्टोर में स्टार्ट हुआ है मुंबई में एंड प्लान्स टू मेक दिस फैसिलिटी अवेलेबल इन ऑल इट्स स्टोर इन मुंबई विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 months। और इनका प्लान है कि अगले 3-4 महीने में मुंबई के जितने भी स्टोर्स है तभी में इसको लॉन्च किया जा सके RBI नॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, अब ये जो डिजिटल रुपी है इसके बारे में आप एक चीज ध्यान रखिए, ये डिजिटल रुपी को CBDC बोला जाता है। CBDC का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। CBDC जो है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1 दिसंबर 2022 को। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में जो है ये 4 सिटीज़ में लॉन्च किया गया था, 4 सिटीज़ में। ठीक है, 4 सिटीज़ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एंड भुवनेश्वर, ये आप याद रखेंगे। और इसके लिए 8 बैंक्स थी इसके अंदर में। ठीक है, तो CBDC 1 दिसंबर 2022, 4 सिटीज़ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, भुवनेश्वर और 8 बैंक्स। और जो है रिलायंस रिटेल फर्स्ट इंडियन रिटेलर जिसने कि डिजिटल रुपी को एक्सेप्ट किया है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट रिवाइजेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी रेजेस मिनिमम डाउनलोड स्पीड टू 2 Mbps। सेंटर ने अभी क्या किया है कि डिसाइड किया है कि सबसे हायर मिनिमम स्पीड जो रहेंगी वो रहेंगी 2 Mbps की। इसके पहले ये जो स्पीड थी ये थी 512 kbps। अभी इसको रिवाइज किया गया, अब हो गई है 2 Mbps। 2 Mbps का फुल फॉर्म मेगाबिट्स पर सेकंड। इंडिया टॉप 5 सर्विस प्रोवाइडर्स आर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, BSNL एंड एट्रिया कन्वर्जेंस। ये 5 के पास में लगभग 98.4% मार्केट शेयर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है PM टू अनइवील सोलर कुकिंग सिस्टम एट इंडिया एनर्जी वीक। इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है बैंगलोर में, वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो क्या करने वाले हैं, लॉन्च सोलर कुकिंग सिस्टम एंड गारमेंट्स मेड ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल बोट डेवलप्ड बाय IOC। IOC का फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसके अंदर में सोलर कुकिंग सिस्टम और गारमेंट्स जो कि रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल से बनी है, जो कि IOC के रिसर्च लैब में बनी है, वो लॉन्च करने वाले हैं कहाँ पर, इंडियन एनर्जी वीक में। और कब, तो ऑन 6 फरवरी इन बैंगलोर। उसी के अलावा E20 फ्यूल भी लॉन्च होने वाला है। ये E20 फ्यूल के अंदर में क्या होगा, पेट्रोल के अंदर में 20% इथेनॉल रहेगा और इसको 84 रिटेल आउटलेट्स में लॉन्च करने वाले हैं ऑयल और मार्केटिंग कंपनीज के इन 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ये बोला है आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है DCPCR लॉन्चेस व्हाट्सएप चैटबोट बाल मित्र। ठीक है, एक चैटबोट लॉन्च किया गया है DCPCR के द्वारा। द चैटबोट विल प्रोवाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस इशूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड देयर राइट्स वाइल ऑल्सो एंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द केसेज रिपोर्टेड थ्रू इट। एक चैटबोट लॉन्च किया गया है जिसके अंदर में चिल्ड्रन लोग अपने राइट्स के बारे में बता सकते हैं, साथ ही साथ उसमें जो इन्फॉर्मेशन जाएंगी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा। ये चैटबोट की हेल्प से क्या होगा, सिटीजन्स और जो कमीशन है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं इफेक्टिवली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है टू मेक गवर्नेंस सिटीजन फ्रेंडली। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक फेस्टिवल के बारे में है। आपको एग्ज़ाम में फेस्टिवल के बारे में, डांसेस के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, डेजर्ट फेस्टिवल ऑफ राजस्थान सेट टू टेक ऑफ इन जैसलमेर इन फेब्रुअरी। डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में होने वाला है और ये हर साल फेब्रुअरी में होता है। ठीक है,
4 डे जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल लोकली कॉल्ड, वहाँ के लोग इसको मरु महोत्सव बोलते हैं, ये राजस्थान में सेलिब्रेट होगा, ठीक है। द फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन करेगा, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर में आर्टिस्ट लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें की जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ वो है फोक डांसेस लाइक कलबेलिया, हॉर्स, कच्ची घोड़ी, गैर एक्सेट्रा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, डेजर्ट फेस्टिवल 4 दिन के लिए, कहाँ पर, तो जैसलमेर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ईवी के बारे में है। महाराष्ट्र लीड्स चार्ट्स इन ईवी सेल्स अंडर फेम 2 स्कीम, ठीक है। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ईवी सेल्स देखा है कंट्री के अंदर। महाराष्ट्र हैज़ सो फार सीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन द कंट्री अंडर द सेकेंड फेज ऑफ फेम। फेम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र जो है वो आपका पहले नंबर पे है, उसके बाद में कर्नाटका सेकंड नंबर पे, उसके बाद में तमिलनाडु, उसके बाद में गुजरात, राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश। ये 6 स्टेट मिला के 60% सेल कर रहे हैं ईवी का, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। जो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स है, यूपीआई ट्रांजेक्शन वो अभी बढ़कर 8.03 बिलियन हो गया है जनवरी में। ये दिसंबर में था 7.82 बिलियन, ठीक है। ये दिसंबर 2022, आपका जनवरी 2023, ठीक है। यूपीआई ट्रांजेक्शन्स जो है वो 8.03 बिलियन हो गए जनवरी में, दिसंबर में थे 7.82 बिलियन। उसके बाद में एक स्कीम के बारे में बताता हूँ। एक स्कीम है जिसका नाम है दिव्यांग जन। ये स्कीम में क्या होने वाला है, जो भी लोग डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनको आरटीओ ने रजिस्टर जो व्हीकल करेंगे, मतलब जो भी पीपल विद डिसेबिलिटीज़ रहेंगे, अगर वो लोग गाड़ी खरीदते हैं तो आरटीओ वाले उनको टैक्स बेनिफिट देंगे, ठीक है, वो आरटीओ वाले उनको टैक्स बेनिफिट देंगे। ये रहेगा किसके लिए, तो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद में जो हिंदुजाज जो है वो अपना इंडस इंड बैंक में स्टेक बढ़ाने वाला है। इंडस इंड बैंक में अपना स्टेक बढ़ाने वाला है। अभी उनका स्टैक है 15.16%, ये वो बढ़ा के करने वाले हैं 26%, ठीक है। उसी के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि आप याद रखिए, इंटरनेशनल ये डे वगैरह बहुत बार पूछते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिए, हम हर वीडियो में डे के बारे में बताते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल म्यूटिलेशन, ये कब मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है 6 फरवरी को, ठीक है। उसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यूएस ये अभी इंडिया का टॉप डेस्टिनेशन बन गया है एक्सपोर्ट में। ये कब से कब में है, ये अप्रैल से दिसंबर 2022। इसका मतलब ये है कि हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएस को कर रहे हैं, ठीक है। ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे आने वाले नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।